25 से लेके 44 साल की उम्र में जितने यंगस्टर्स हैं उनको सडन कार्डियक अरेस्ट होके मतलब अचानक उनकी मौत होने के समाचार आ रहे हैं। अगर किसी को अचानक कार्डियक अरेस्ट हो जाए मतलब कि उसकी हृदय की धड़कन ही बंद हो जाए और सांस लेना भी बंद हो जाए तो हमारे पास 3 से 5 मिनट का टाइम होता है। तो हम उस दौरान अगर उनको CPR करके रिवाइव कर देते हैं तो उसकी जान बच जाती है। तो लेकिन उसको सबको मालूम होना चाहिए कि CPR कैसे करना है। तो हार्ट फेलियर बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जब हार्ट अटैक होता है तो हम तुरंत हॉस्पिटल नहीं जाते, तो लोग जो है पहले अपने नुस्खे ट्राई करते हैं, फिर वो इधर उधर से दवाई लेते हैं। जैसे लंग्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके लिए जो हमने एक अपना एक नया टेक्निक जो इवॉल्व किया है जिसमें कि हम एक सिंगल कट के साथ जो 3 सेंटीमीटर का कट होता है हम सारी सर्जरी जो है चेस्ट के अंदर किसी भी कोने में जाके उसकी सर्जरी करते हैं। आज के समय में जो बदलता लाइफस्टाइल है, कई चीज़ें हैं जिसको देखा गया है कि लोगों में, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे यंगस्टर्स हों, चाहे बुजुर्ग हों, हर किसी को हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है, कोई हार्ट फेलियर, कोई कार्डियक अरेस्ट, इस तरह के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। आखिर क्या रीजन होता है कि इस तरह के मामले पिछले दिनों में बढ़े हैं? हमारे साथ डॉक्टर दीपक पुरी सीनियर डायरेक्टर हैं कार्डियो वेस्कुलर थोरेसिक सर्जरी मैक्स मोहाली के। उनसे कोशिश करेंगे जानने की कि किस तरह की चीजें की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या जो सोल्यूशन होता है, किस तरह की चीजों का ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि अब यंगस्टर जो हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं, उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम, उनको हार्ट अटैक हो गया या कार्डियक अरेस्ट हो गया, रीजन क्या रहता है इतनी जल्दी यंग एज में यंगस्टर्स हैं या छोटे बच्चे हैं उनको इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है? इसके लिए मैं आपको दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं। एक तो है जो कोविड से पहले है, उसमें वैसे जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है वो उनको हार्ट अटैक्स वगैरह थोड़े जल्दी आते हैं, 15 साल पहले आ जाते हैं वेस्टर्न पॉपुलेशन से। लेकिन कोविड के बाद जो नेक्स्ट 2 ईयर्स में ये डाटा बहुत सारा सामने आया है जिसमें कि 25 से लेके 44 साल की उम्र में जितने यंगस्टर्स हैं उनको सडन कार्डियक अरेस्ट होके मतलब अचानक उनकी मौत होने के समाचार आ रहे हैं। और जो उनका रिस्क है वो भी दो तरह के भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो जिनको की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी उनका तो रिस्क ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बढ़ गया, और जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी कोविड की वजह से उनका रिस्क जो है ऑलमोस्ट 118 टाइम्स बढ़ गया। और उसकी वजह से जो है यंग जनरेशन में हो रहा है। तो वैसे ये चीज पहले से ही मेरे को बहुत दिमाग में बहुत ज्यादा हर्ट करती थी कि यंग लोगों की क्यों डेथ हो रही है। तो हमने 2011 में एक कार्डियोमर्जिन करके ग्लोबल ट्रस्ट स्टार्ट किया था, तो उसका पर्पज ये था कि हम लोगों में अवेयरनेस दिलाएं कि 80% हार्ट डिजीज जो है वो प्रिवेंटेबल है, लेकिन लोग उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। और जब वो बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन आ जाती है तभी हॉस्पिटल में आके फिर इलाज करते हैं, तब तक फिर उनको या तो स्टेंटिंग की जरूरत पड़ जाती है या बाईपास की जरूरत पड़ जाती है। तो प्रिवेंशन को भी उतना ही उचित स्थान देना है और अनकन्वेंशनल मेथड को भी उतना स्थान देना है। उसके लिए हमने कार्डियो मर्जन का मतलब है, कार्डियो मीन्स हार्ट और मर्जन मीन्स सारे जितने स्पेशलिटीज हैं उनको मर्ज करके हम इकट्ठे मिलकर अगर टीम वर्क से करें। तो हमने जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस की थी 2011 में उसमें 22 कंट्रीज के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें 46 स्पीकर बाहर के थे और 55 इंडिया से थे, और उसमें उनको बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिला। तो उन्होंने कहा ये हर साल होनी चाहिए। फिर उसके बाद 2 वर्ष हमने यहीं की, उसके बाद ऑरलैंडो से हमको इन्विटेशन आया था, तो हमने वहां पे कार्डियक इमरजेंसीज पे की थी ऑरलैंडो में, फ्लोरिडा में, USA में। उसके बाद हमने 3 बार जापान में की है, 2 बार सिंगापुर में की है, दुबई में की है। तो हर साल डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में हो रही थी। इस बार फिर आफ्टर अ गैप ऑफ 10 ईयर्स हम दोबारा से इंडिया में कर रहे हैं इसको। ओके सर, जैसे आपने बताया कि इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेज है, 14th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई है, अचीवमेंट की अगर हम बात करें, किस तरह की अचीवमेंट है, क्या क्या चीजों पर ध्यान दिया गया, क्या क्या अपडेशन की अगर हम बात करें? तो इस बार हमने जो आजकल के समय को देखते हुए जो है इस कॉन्फ्रेंस को 2 भागों में डिवाइड किया। जो मॉर्निंग और आफ्टरनून सेशन थे उनमें हमने यंगस्टर्स को टारगेट किया। तो जो यंगस्टर्स से रिलेटेड जो जैसे प्रिवेंटिव मेजर्स है या कैसे हमने अर्ली डायग्नोसिस करना है, अपने रिस्क फैक्टर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है ताकि हमको पहले पता लग जाए कि हमको हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक होने की संभावना है, तो हम उसको पहले से ही रोक सकें। इसके अलावा जैसे अगर किसी को डायग्नोज हो गया तो उसको अर्ली मैनेजमेंट कैसे करना है, और अनकन्वेंशनल थेरेपीज जैसे योगा है, म्यूजिक थेरेपी है, उसको कैसे हम यूटिलाइज करेंगे इसके ऊपर भी फोकस किया। और एक और फोकस हमारा ये था कि अगर किसी को अचानक
कार्डियक अरेस्ट हो जाए, मतलब कि उसकी हृदय की धड़कन ही बंद हो जाए और सांस लेना भी बंद हो जाए, तो हमारे पास 3 से 5 मिनट का टाइम होता है। तो हम उस दौरान अगर उनको सीपीआर करके रिवाइव कर देते हैं तो उसकी जान बच जाती है। तो लेकिन उसको सबको मालूम होना चाहिए कि सीपीआर कैसे करना है, क्योंकि अगर उसमें हम टाइम वेस्ट करेंगे तो 5 मिनट से ज्यादा बीत जाएंगे तो ब्रेन हमेशा के लिए डेड हो जाएगा। फिर लोगों में ये भी क्लैरिटी नहीं है कि हार्ट अटैक में, कार्डियक अरेस्ट में और स्ट्रोक में क्या फर्क है। स्ट्रोक में दिमाग की नाली बंद होने की वजह से हमारे शरीर में जो होता है डिफेक्ट आ जाता है, या तो पैरालिसिस हो जाता है या फिर स्पीच चली जाती है या कंफ्यूजन हो जाता है। तो उसमें हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये कौन सी व्यवस्था है, कि मतलब कौन सी सिचुएशन है कि ये कार्डियक अरेस्ट हुआ है या हार्ट अटैक हुआ है या ये स्ट्रोक हुआ है। यानी कि सर ये सब चीजें अलग हैं, हार्ट फेलियर की बात करें, हार्ट अटैक की बात करें, कार्डियक अरेस्ट की बात करें, स्ट्रोक की बात करें, ये सारी चीजों के डिफरेंट भी। हाँ जी, और जो हमारे कंट्री में हार्ट फेलियर भी बढ़ रहा है, तो हार्ट फेलियर बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जब हार्ट अटैक होता है तो हम तुरंत हॉस्पिटल नहीं जाते, तो लोग जो है पहले अपने नुस्खे ट्राई करते हैं, फिर वो इधर उधर से दवाई लेते हैं और उधर जब उनको रिलीफ नहीं मिलता, जब ज्यादा सीरियस हो जाती है तब वो हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन तब तक मसल हार्ट का काफी डैमेज हो जाता है। तो अगर वो जल्दी हॉस्पिटल में वापिस आएंगे ट्रीटमेंट के लिए तो हम उसको मसल को बचा सकते हैं, तो इसलिए फर्स्ट आवर को गोल्डन आवर बोलते हैं। लेकिन उस दौरान मोस्ट ऑफ द पेशेंट पहुंचते नहीं है हॉस्पिटल में। तो हमने लोगों में अवेयरनेस ये करवाने की कोशिश की है कि यंगस्टर में स्पेशली, कि अगर किसी को ऐसी सिम्टम हो रहे हैं, कईयों को टिपिकल सिम्टम्स नहीं होते, तो उस वक्त हम उसको बजाय एज कि भाई उसको एंटासिड लेते रहते हैं या कुछ और घर के नुस्खे अजमाते हैं, उनको तुरंत पहले ये रूल आउट करना चाहिए कि कहीं ये हार्ट अटैक तो नहीं है। लाइफ स्टाइल भी एक बहुत अहम कह सकते हैं कि इस टाइम जो लाइफ स्टाइल है लोगों का, खाना पीना या फिर स्ट्रेस लेवल या डिप्रेशन लेवल, वो भी एक जरूर कहीं ना कहीं। हाँ, वो लाइफ स्टाइल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और उसमें हमने जो है कुछ ऐसे स्क्रीनिंग के परफॉर्म बनाए हैं जिसकी वजह से हम स्क्रीन करके बता देते हैं कि आपके कितने लाइफ स्टाइल के रिस्क फैक्टर हैं। तो ये जो रिस्क फैक्टर है ये इंटर रिलेटेड होते हैं, जैसे कि जो हार्ट डिजीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, और इसके अलावा कैंसर भी जो है वो भी सेम रिस्क फैक्टर होते हैं ऑलमोस्ट। तो अगर किसी को एक प्रॉब्लम हो जाती है तो वो दूसरी डिजीज होने के लिए भी इक्वली एट रिस्क होता है। तो इसलिए सबसे पहला जो है लोग आजकल क्या करते हैं कि बहुत सारे टेस्ट करा लेते हैं, 50 पेज की रिपोर्ट भेज देते हैं डॉक्टर को, लेकिन वो सारी नॉर्मल होती है और फिर कुछ दिन के बाद उनको हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि गूगल करने से या टेस्ट कराने से डायग्नोज नहीं होगा, फर्स्ट हमको अपने रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करने हैं। डॉक्टर साहब, न्यू टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, आप लगातार कॉन्फ्रेंस में भी आपने कई स्पीच दी है, जैसे देखा न्यू टेक्नोलॉजी किस तरह से है, क्या क्या चीजों को लेकर आप फोकस कर रहे हैं? जो न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में हमने जो इवनिंग के सेशन थे, जो 5 बजे से लेकर 10 बजे तक सेशन थे, उसमें हमने सारे टॉप के डॉक्टर्स बुलाए थे। कुछ लोग अमेरिकन से आए थे, कुछ कनाडा और यूके और जापान, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और उसमें हमने सारे नए अपडेट्स बताए, जिसमें कि जो मैंने अपने कुछ अपडेट्स बताए थे, पिछले हमने 20 साल का कंपैरिजन किया था कि पहले जब हम सब कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट से, टीम अप्रोच से नहीं करते थे, तब से लेके पिछले 20 सालों में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। जब पेशेंट को हार्ट अटैक आता है और उस समय उसकी अगर मल्टीपल आर्टरीज में ब्लॉकेज है, तो उस टाइम पे ज्यादातर जो लोग हैं वो सर्जरी नहीं करवा पाते, इसलिए उनकी मौत भी हो जाती है या फिर वो हमेशा के लिए हार्ट फेलियर के पेशेंट बन जाते हैं। लेकिन हम लोग जो है उनकी तुरंत सर्जरी कर देते हैं, कई बार उनका ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है, कई बार उनको मेंटेन करना भी मुश्किल होता है, कई बार उनको जो सपोर्ट के लिए इंट्राओर्टिक बलून पंप डालते हैं वो भी डालने की गुंजाइश नहीं होती, और कई बार पेशेंट को धड़कन भी उसका फड़क जाता है। तो ऐसी कंडीशन में तुरंत कैसे उनका बाईपास करना चाहिए, और उसके बाद उसका टीम अप्रोच से जो है बाद में पोस्ट ऑपरेटिव अच्छे से केयर करके जो पेशेंट रिकवर करते हैं, तो बहुत सारे पेशेंट नॉर्मल पंपिंग भी उनका अचीव हो जाता है और वो अपनी नॉर्मल लाइफ अचीव कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो है 20-25 साल से आ रहे हैं फॉलोअप में, तो उसको कैसे हम मैनेज करते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिवली हमको उनका फॉलोअप भी जरूर देखना पड़ता है, अदरवाइज लाइफस्टाइल अगर आफ्टर सर्जरी ठीक नहीं होगा तो दोबारा उनके ब्लॉकेजेस हो जाएगी और उनको दोबारा फिर कुछ ना कुछ प्रोसीजर करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, क्योंकि कई चीजें हैं जैसे आपने बताया, बहुत अहम हो जाता है कि ये सारी चीजें लोगों को अवेयर होना चाहिए, मैसेज क्या देना चाहेंगे लोगों को? लाइफ स्टाइल की आपने बताया, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, और आजकल यंगस्टर्स में
ऑब्वियसली किसी नशे की लत भी होती है कई जगह, उसका भी एक कारण है, मैसेज क्या है? उस पर भी हमने सेशन रखे थे कि कैसे हम अपने लाइफस्टाइल को, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। इसके अलावा एक और ज्यादा प्रॉब्लम जो इंडिया में आती है, जो हमारी आफ्टर कोविड जैसे लंग्स में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए जो हमने एक अपना एक नया टेक्निक जो इवॉल्व किया है, जिसमें कि हम एक सिंगल कट के साथ जो 3 सेंटीमीटर का कट होता है, हम सारी सर्जरी जो है चेस्ट के अंदर किसी भी कोने में जाके उसकी सर्जरी करते हैं, उसको मॉडिफाइड यूनिपोर्टल वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपिक सर्जरी हम बोलते हैं। और उसके नए टेक्निक से हमने जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के केसेज हैं वो भी हमने शेयर किए थे इस कॉन्फ्रेंस में, और उससे जो है मतलब हम बिना लंबा कट लगाए छोटे से कट से ही सारे तरह की सर्जरी चेस्ट के अंदर लंग्स की और भी कोई जैसे अगर चोट लगने से क्लॉट हो जाए अंदर ब्लड उसकी भी कई बार गुब्बारे बन जाते हैं हवा के, उसकी बुलेक्टमी करते हैं। इवन एक पेशेंट जिसको कि डिफरेंट हॉस्पिटल्स में उन्होंने कहा था कि इसको लंग ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी, उसका हमने सिंपल वीडियोस्कोपिक सर्जरी करके और उसको हमने घर भेज दिया विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। सर मैसेज क्या है लास्ट में? हमारा जो सबसे बड़ा मैसेज ये है कि हमको अपने रिस्क फैक्टर जो है अर्ली एज से मालूम करने चाहिए कि हमारे अपने जिंदगी में क्या रिस्क फैक्टर हैं, और उनको अच्छे से कंट्रोल करना चाहिए ताकि हम नेक्स्ट स्टेज तक पहुंचे ही ना, हम बीमारी हम में हो ही ना, उससे हम बीमारी का ऑनसेट को डिले कर सकते, और उसके बाद अगर हो भी जाए तो उसको प्रॉपरली अगर ट्रीट करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, तो हमारे को इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए तो एक टीम अप्रोच से हमको प्रॉपरली जो भी बेस्ट है, हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको रोबोटिक ही कराना है या हमको मिनिमल इन्वेसिव ही कराना है या हमको सर्जरी कराना ही नहीं है, स्टंटिंग ही कराना है, ऐसा नहीं है। जो बेस्ट आपके लिए सुटेबल है वो टीम डिसाइड करेगी और उसको आपको करना चाहिए। उसके बाद भी अपनी जिंदगी की लाइफस्टाइल थ्रू आउट आपको कंट्रोल करना चाहिए ताकि आपका लाइफ स्पैन भी बढ़े और आपका हेल्थ स्पैन भी बढ़े।